आज पूरे देश में एक दुख का भी माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया दें? दुख का माहौल होना स्वाभाविक है, जब भी किसी अच्छे लोग के साथ या किसी अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा होता है, किसी भी के साथ, वो सिर्फ सलमान ही ना हो, किसी के साथ होता है तो बुरा लगता है। वो एक परिवार का अभिन्न अंग है, फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सितारे हैं, चहेते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा इंसान है, अच्छे अभिनेता है, अच्छे परिवार से हैं, उनके साथ बुरा हुआ। अब जैसे भी हुआ वो उसमें हम नहीं जाएंगे, पर ये सब लोगों को मालूम है कि वो एक एक्सीडेंट था और उस एक्सीडेंट में किसी की जान गई और चार लोग जो है वो घायल हुए। सबसे पहले तो सहानुभूति उन लोगों के लिए जो मरे और जो घायल हुए, और पिछले 13 साल से जिनको इस न्याय का इंतजार करना पड़ा, सहानुभूति उनके लिए। लेकिन सहानुभूति सलमान के लिए भी इसलिए, और बहुत ज़्यादा इसलिए, क्योंकि ये जो मैं ऐसा समझता हूँ एक आम जनता के तौर पर भी और परिवार के सदस्य होने के नाते, कि जो उनको ये सज़ा मिली वो बहुत सख्त मिली। वो इसलिए कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो एक एक्सीडेंट था, और वो एक्सीडेंट आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। ये ड्रंकन ड्राइविंग का केस था जो कि गलत है, शराब पी के गाड़ी चलाना गलत है, उससे केस उससे दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी टायर बर्स्ट हो जाता है, कभी कुछ भी हो सकता है, और कोई भी इंसान जो पेमेंट पर सो रहा है या सड़क पर सो रहा है उस पर गाड़ी चढ़ सकती है। जहाँ तक मैं, और सबसे पहले ये पॉइंट मैंने आज सवेरे उठाया था, और वो ये कि अगर शराब पी के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है तो उतना ही गैर कानूनी सड़क पर सोना है या पेमेंट पे सोना। ना वो कोई सड़क पे सोते, और ना ये एक्सीडेंट अगर होता भी तो किसी दरवाजे से टकरा जाता, किसी शॉप से टकरा जाता, किसी शटर से टकरा जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन किसी, ये एक सफाई नहीं है, बात ये है कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार और गरीब बेचारा कहां जाए? अगर हम ये कहें कि वो क्यों सोया हुआ था तो हम ये भी कहना चाहेंगे वो कहां सोएगा, वो कहां जाएगा बेचारा? उसके लिए तो आसमान ही छत है, वो किधर जाएगा? उसको तो उधर ही सोना है। तो उसके सोने के लिए घर कौन मुहैया कराएगा? सरकार। सरकार का ये, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि उनके सर के ऊपर एक छत हो। जब कोई आपदा होती है, जैसे नेपाल में हुआ, कहीं भी, तो उसके लिए टेंट्स बनते हैं, उनको घर दिए जाते रहने के लिए, वैसे इनको भी देना चाहिए कि बेचारे आगे तो कम से कम ऐसा ना हो। और ये पहला केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केसेस हो चुके जहां गाड़ियां उन पर चढ़ गई हैं, ट्रक में कोई चलाते चलाते गाड़ी सो जाता है और गाड़ी उन पर चढ़ जाती है, और 8-8 डज़न एलिस्टर परेरा के केस में भी हुआ। तो सबसे पहले तो सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जैसे बाहर जाने की टॉयलेट सुविधा नहीं है तो सरकार ने शौचालय बनाया, उस तरह उनको घर, धर्मशाला, प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, कहीं उनको सोने की इजाजत दी जाए। अब अगर सड़कों पे सोएंगे तो ये हो सकता है। तो ये जो हुआ गलत हुआ। सलमान के साथ जो हो रहा है वो भी बहुत गलत हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि अब चूंकि ये एक्सीडेंट है, महज एक इत्तेफाक है कि वहाँ लोग सोए हुए थे और उनके साथ ऐसा हो गया, इसलिए ये हम सब आहत हैं, हम सब शॉक्ड हैं, और हम लोग बहुत दुखी हैं इस वर्डिक्ट को लेकर। आपको क्या लगता है कि एज एक सेलिब्रिटी होने के नाते सलमान के केस को बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है? यकीनन बहुत ज्यादा। देखिए, सेलिब्रिटी होने का बहुत बड़ा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। ये सिर्फ लोग समझते हैं कि आप सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी होने के फायदे हैं, लेकिन सेलिब्रिटी होने के नुकसान ज्यादा है, क्योंकि एक सामाजिक आक्रोश उनके प्रति बहुत ज्यादा रहता है। अंदर ही अंदर लोग जलन से मर गए होते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या, ये सेलिब्रिटी क्यों है, इसको लोग क्यों पहचानते हैं, इसे क्यों ऑटोग्राफ लेते हैं, इसके क्यों फोटोग्राफ लेते हैं, इसको ये सुविधा क्यों, वो सुविधा क्यों। अरे, उसको सुविधा इसलिए मिलती है क्योंकि वो सालों से आपकी सेवा कर रहा है। सेलिब्रिटी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहचाना जाता है, वो एक्टर है, आपकी सेवा कर रहा है, आपका मनोरंजन कर रहा है, खासतौर पर फिल्म एक्टर, हमारे जैसे कलाकार जो अपने अपने तरीके से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन एक सोशल एंगस्ट उनके खिलाफ रहती, जब तक तो सब ठीक चल रहा है, जहां ऐसी वारदातें होती हैं वहां देखिए सारे मुखौटे गिर जाते हैं और सब बार हाँ इनको जेल डालिए, हाँ इनको मारिए, ये भी आम इंसान है, ये भी ये है, वो है, फलां है, ढिका है। ये गलत है, ये ठीक है, ये कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ये भी मान के चलना चाहिए कि एक इंसान ने जितना बढ़िया काम किया है, सलमान ने जितना बढ़िया काम किया है बीइंग ह्यूमन के जरिए, और कितने लोगों का हार्ट ऑपरेशंस कराया है, अभी कश्मीर में आपदा आई थी, लोगों को की मदद की है, उसको भी तो आप मद्देनजर रखिए, उसको, उसके लिए तो उसको रियायत मिलनी चाहिए। एज अ सेलिब्रिटी या एज अ आम सिटीजन इंडिया के आप हैं, किस तरह से इस वर्डिक्ट को न्यायपालिका को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, न्याय अपना काम करता है,
न्याय का काम है न्यायपालिका का, न्यायालय का काम है न्याय देना, और कानून अंधा है, ये भी है कानून अंधा है कि सब कानून सबके लिए बराबर है, कानून की आंखों में पट्टी जमी। लेकिन कभी कभी माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, कानून भी ये सजा उनको इसलिए दे रहा है कि 3 साल नहीं तुमको 5 साल तुमको इसलिए दी जा रही तो ताकि दूसरों को सबक मिले। सलमान क्यों, दूसरों को क्यों नहीं सजा ये दी इतनी, एलिस्टर को परेरा को भी 3 ही साल की, तो सलमान को 5 साल, उसने 7 लोगों को मार दिया था, तो ये किस तरह का न्याय? ठीक है वो आपकी बात सही है, लेकिन सलमान ने कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह भी किया कि उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो सलमान ने नहीं किया, वो उनके डिफेंस काउंसिल ने किया, वो उनकी गलती है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं ये गुमराह किया। या देखिए आदमी जब फंसता है ना तो कुछ गलत कदम उठ जाते हैं, ऐसे उनके डिफेंस काउंसिल को ऐसा लगा होगा कि ऐसा कहने से हम बच जाएंगे, 13 साल के बाद ड्राइवर का कहना मैं गाड़ी चलाना, मैं मानता हूं कि ये सब गलत है, लेकिन सलमान ने ये तो माना था कि मैं मेरे से गलती हुई है और एक्सीडेंट हुआ है और घर के वो तो पास ही हुआ था बिल्कुल। तो चूंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आपको एक निशाना बनाया जाता है और आपको एक मिसाल बनाया जाता है, आपको एक उदाहरण बनाया जाता है, तो ये तो गलत है। ये चूंकि इतना ज्यादा फोकस जो इसको मिला, आप बताइए मुझे सैकड़ों केसेस ऐसे दिन में होते हैं, सैकड़ों, एक नहीं, जहां आदमी शराब पी के न पी के भी गाड़ी लोगों पर चढ़ा देता है, ठोक देता है, मार देता है, कुछ नहीं होता उनका, कभी कुछ मैंने सुना नहीं। अच्छा हाईवे पे 2 गाड़ियां टकरा जाती हैं, अब किसी कभी गलती इसकी होती, कभी उसकी, कभी दोनों की होती, तो क्या जितने लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जितने ड्राइवर खड़ा है सबको नहीं, सब छूट जाते हैं। अभी कोई बच्चा आ गया ड्राइविंग करते समय, आपका ध्यान भटक गया, तो क्या बच्चे को अरेस्ट कर लेंगे कि उसकी वजह से? ये सब तो रोड पे तो ये सब एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कोई खाई में ही गिर गया, कोई कहीं कुछ हो गया, तो जाने जाती रहती हैं। हम किसी की सफाई में कुछ नहीं कह रहे हैं या किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी बनने का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए हम लोगों को, सबको। चूंकि आप सेलिब्रिटी हैं इसलिए आपको ज्यादा सजा दी जाएगी, इसलिए आप मिसाल बनिए, आप उदाहरण बनिए लोगों को, आप बलि का बकरा बनिए, क्यों भाई नहीं। और आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं बगैर नाम लिए भी, इतने टेररिस्ट जो है खुलेआम घूम रहे हैं, और जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ली है, उसके बारे में सरकार को पता, उसे तो अरेस्ट नहीं कर रही, वो तो आराम से घूम रहा है। अभी कश्मीर में भी आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, वो कह रहे हैं हम पूरे हिंदुस्तान को उड़ा देंगे, वो सब घूम रहे हैं, वो सब घूम सकते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया उसको आप पकड़ के 5 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट के लिए डालना, ये कहां का इंसाफ है? तो ये अपील है। अब चूंकि हाईकोर्ट पे भी जा सकते हैं और इंटरिम बेल भी उनको मिल गया है, ये एक अपील है कि सबको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उनकी सजा अगर पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते तो उसको कम से कम सजा दी जाए। देखिए फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान और घाटा और नफा तो एक तरफ है, जो नुकसान उनके परिवार को हो रहा है, जो आहत उनके माँ को पहुंची है, जो उनके पिता को, जो उनके भाइयों को, जो उनकी बहन को पहुंची है, वो नुकसान के सामने ये नुकसान क्या है? फिल्में तो कब 6 महीने के बाद भी बन जाएंगी, साल के बाद भी बन जाएंगी, उसका कुछ नहीं, ये तो पैसा है, वो बॉक्स ऑफिस में फिल्म चल जाएगी, 150-200 करोड़ कमा लेगी, पैसा सबका वापस आ जाएगा, ये जो वक्त जाएगा किसी का, ये जो सुख चैन सुकून जाएगा लोगों को, वो कहाँ से वापस आएगा, वो कैसे वापस आएगा? तो एक ये तो है कि सबक तो ये लेना चाहिए कि जब आप सेलिब्रिटी हैं तो एहतियातन बहुत सारे ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए जो आम जनता करती है, क्योंकि उनका तो कुछ होता नहीं है, वो तो वैसे ही करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं रहता। आप चूंकि एक रोल मॉडल हैं, एक आइकॉन हैं, आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसलिए सोच समझ के हमें कोई भी कदम उठाना है, चाहे वो बोलना है, कहना है, घूमना है, गाड़ी चलानी है, कुछ भी, वो सोच समझ के करना है। हम सलाम करते हैं सबको, पुलिस को भी करते हैं, हम अपने कोर्ट को भी करते हैं, जजेस को भी करते हैं, लेकिन बस इतना है हाथ जोड़ के कि जब भी कोई आपदा, जब भी कोई विपदा, जब भी कोई इमरजेंसी हुए, सबसे पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे आती है, सबसे पहले पुलिस का कोई फंक्शन हो उसमें सबसे ज़्यादा सलमान या शाहरुख या जो, हम सब जाते हैं, हाथ बटाते हैं, ट्रैफिक वालों का हम सब जाते हैं, पॉलिटिकल कोई फंक्शन हो उसमें जाते हैं, कोई कोर्ट का, कोई इनकम टैक्स का, सब जगह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम खून कर दें और हमें छोड़ दिया जाए, पर यह है कि उसको उसी तरीके से समान नजर से देखा जाए, गलती हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, मानते हैं, सजा बहुत कम होनी चाहिए थी। लास्टली सर, उनके फैंस और उनके परिवार को किस तरह से आप कहना चाहेंगे? देखिए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जो किस्मत में बधा है उसको तो कोई नहीं टाल सकता, हम सिर्फ दुआओं का सहारा ले सकते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 100 खोल भी देता है। अब उनको इंटरिम बेल मिला है, इससे ही शायद कोई रास्ता निकल आए
और हम हमारी दुआ नहीं, हम सब लोगों की ये दुआ है कि कम से कम नुकसान हो परिवार का और सलमान का, और कम से कम सज़ा उन्हें मिले, हम इसकी दुआ करते हैं। अगर वो पूरी तरह से छूट जाते हैं, अगर उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि नहीं इसके बारे में दोबारा विचार किया जा सकता है, तो हम सबको बहुत खुशी होगी। न्याय जो है, अब कानून अपनी जगह है और जगह अपनी जगह तटस्थ है, अपनी जगह स्थिर है, और जो वो कदम उठाता वो भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि कुछ चीज़ें जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर सोची जाएं तो वो राहत जो है जिसके साथ ये हुआ उसको राहत मिलती है, और उससे जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी राहत मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके साथ ये हुआ है, जिस परिवार के साथ हुआ है, जो मरा तो बेचारा वो चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जो परिवार है उस परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सलमान को सजा मिले या ना मिले। वो कह रहा है हमें कॉम्पनसेशन दे दीजिए, हमें कन्विक्शन से कोई मतलब है, आप उनको सजा दे, फांसी पे चढ़ा, उससे हमारा क्या फायदा, जिसको जाना था वो तो चला गया। अब वही जब कह रहे हैं, अगर वो भी बहुत जिद करते और वो बहुत इस पर जोर देते कि नहीं उसको 5 साल की सजा मिलनी चाहिए, वो शायद उनकी पत्नी कह रही थी जो विक्टिम है कि 5 साल क्यों दिया, 3 साल दे देते, क्या फर्क पड़ता, ज्यादा मिल गया उन्हें ज्यादा सजा हो गई। तो वही जब कह रहे हैं जिनके साथ हुआ है, तो फिर औरों को क्या आपत्ति है। तो ये चीज याद दिलाती है राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, प्रियंका गांधी भी उनके पास गई हुई थी, विक्टिम थे जिन्होंने मारा था। तो ये क्या चाहते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केस को हल कर दिया जाए। अगर हो सकता है, देखिए गलती हुई मैं बार बार कह रहा हूं, पर ये एक एक्सीडेंट, महज एक एक्सीडेंट था। उसमें जिसके साथ हुआ शायद वो उसे भी इस बात का इल्म है कि वो एक्सीडेंट है, सलमान या कोई भी ऐसा दुनिया में तो नहीं है कि जाके गाड़ी किसी पे चढ़ा देगा, कोई नहीं करना चाहता, ये तो हो जाता है। अब ऐसे में उसे जो 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 जीविका थी और जो 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 कमाऊ इंसान था, जो कमा रहा था, वो चला गया तो जाहिर है कि बहुत तकलीफ में आ गए, दिक्कत में आ गए इन लोग। अब उनको सलमान के जेल जाने से तो कोई फायदा नहीं, उनको फायदा यह है कि अगर उनको 10-5 लाख मुआवजा मिल जाए तो घर चल जाए, जो छोटे भाई बहन है वो पढ़ लिख लें, बड़े हो जाए। मैं समझता हूँ कि ऐसे में अगर परिवार ये कह रहा है कि हमें सिर्फ पैसा दे दीजिए और सलमान को सजा मत दीजिए, तो इस बात को भी उच्च न्यायालय को जरा ध्यान में लेना चाहिए। थैंक यू जी।